हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक सपोर्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम महेश है और आज के वीडियो में हम VMware vCenter सर्वर अप्लायंस का इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो नाउ सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन। vCenter सर्वर अप्लायंस इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर करने से पहले हम जान लेते हैं vCenter सर्वर अप्लायंस या फिर VCSA क्या होता है। सो VCSA एक न्यू टेक्नोलॉजी है जिसको कुछ ही वर्जन पहले इंट्रोड्यूस किया गया है। इट इज अ प्री कॉन्फ़िगर्ड लिनक्स बेस्ड वर्चुअल मशीन विच इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर vCenter सर्वर। vCenter सर्वर अप्लायंस इंट्रोड्यूस होने से पहले हम एक विंडोज सर्वर मशीन पर vCenter सर्वर को कॉन्फ़िगर करते थे, जो कि ऐसा vCenter सर्वर एक्ट करता था। सो फ्रेंड्स, VCSA एक प्री कॉन्फ़िगर्ड लिनक्स पैकेज है जिसके थ्रू हम सेंट्रली मैनेज कर सकते हैं एंटायर इंफ्रा को विद सिंगल कंसोल। सो नाउ हमेशा की तरह स्टार्ट करने से पहले हम टेस्ट लैब का क्विक रिव्यू करेंगे। सो जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट सर्वर डोमेन कंट्रोलर है जिसपे ADDS, DHCP एंड DNS रोल्स हमने कॉन्फ़िगर किए हैं। सेकंड सर्वर vCenter सर्वर अप्लायंस है जिसको इस वीडियो में हम कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। इस सर्वर को हम ESXi 01 पर डिप्लॉय करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में कॉन्फ़िगर करना सीखा था। थर्ड हमारा हाइपरवाइजर है जिसको लास्ट वीडियो में हमने कॉन्फ़िगर करना सीखा था। इस वीडियो में हम vCenter सर्वर अप्लायंस को इस पर्टिकुलर हाइपरवाइजर पर डिप्लॉय एंड कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। एंड लास्ट विंडोज 10 कंसोल मशीन है जिसके थ्रू हम कंसोल एक्सेस करेंगे एंटायर इंफ्रा का एंड हम vCenter सर्वर अप्लायंस डिप्लॉय करेंगे ऑन ESXi 01 विद द हेल्प ऑफ विंडोज 10 कंसोल मशीन। सो नाउ लेट मी क्लोज दिस क्विकली एंड नाउ हम VMware ओपन करेंगे। तो आप देख सकते हैं तीनों वर्चुअल मशीन पावर ऑन है। हम सिंपली विंडोज 10 कंसोल मशीन में लॉगिन करेंगे। मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूँ एंड नाउ मैं इंस्टॉलेशन मीडिया माउंट कर देता हूँ। इंस्टॉलेशन मीडिया का लिंक लास्ट वीडियो में मैंने डिस्क्रिप्शन में एंटर कर दिया था। आई होप आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा। अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है तो मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप रिफ़र कर सकते हैं। सो हम ISO मीडिया सेलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके। मैं मैक्सिमाइज़ कर देता हूं ताकि आपको प्रॉपरली विजिबल हो सके एंड आप देख सकते हैं ISO मीडिया माउंट हो चुका है। हम सिंपली ओपन करेंगे and now go to vCSA UI installer win32 and आप देख सकते हैं installer फाइल हम लॉन्च करेंगे। आप देख सकते हैं we are getting multiple options like install, upgrade, migrate और restore। सो हम simply install करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन 2 स्टेजेस में कंप्लीट होने वाला है, स्टेज 1 फॉर डिप्लॉय एंड स्टेज 2 फॉर कॉन्फ़िगरेशन। सो हम सिंपली स्टेज 1 सेलेक्ट करेंगे, क्लिक ऑन नेक्स्ट। हमेशा की तरह लाइसेंस एक्सेप्ट ही करना होगा, क्लिक ऑन नेक्स्ट। इट्स आस्किंग फॉर ESXi होस्ट, हम IP एड्रेस एंटर कर देते हैं दैट इज 192.168.10.103। पोर्ट नंबर हम डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे 443 एंड नाउ हमें ESXi होस्ट का यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर करना है। तो मैं एंटर कर देता हूँ दैट इज रूट एंड पासवर्ड मैं एंटर कर देता हूँ। नाउ सिंपली क्लिक ऑन नेक्स्ट। सो आप देख सकते हैं वी आर गेटिंग सर्टिफिकेट वार्निंग, सो क्लिक ऑन यस। सो नाउ इट्स वैलिडेटिंग द क्रेडेंशियल्स, हम थोड़ा सा वेट करेंगे। इन अ मीन टाइम हम वेब ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। हम कंसोल एक्सेस करेंगे ESXi होस्ट का, हम IP एड्रेस एंटर करेंगे दैट इज 192.168.10.103। क्लिक ऑन डिटेल्स, गो टू द वेब पेज। मैं यूज़र नेम एंटर कर देता हूँ दैट इज रूट एंड पासवर्ड मैं एंटर कर देता हूँ, क्लिक ऑन लॉग इन एंड आप देख सकते हैं डैशबोर्ड। इस सर्वर का मेमोरी मैंने इंक्रीज़ किया है टू 16 GB। आप देख सकते हैं फ्री मेमोरी 14 GB है एंड नाउ हम अगेन इंस्टॉलर पर चलते हैं। सो नाउ इट्स आस्किंग फॉर वर्चुअल मशीन होस्ट नेम, सो हम एंटर कर देते हैं दैट इज vcsa-01 जो कि vCenter सर्वर अप्लायंस का होस्ट नेम होने वाला है। सो नाउ हम पासवर्ड सेट कर लेते हैं इस वर्चुअल मशीन के लिए। नाउ सिंपली क्लिक ऑन नेक्स्ट। सो नाउ आप देख सकते हैं वी हैव टू सेलेक्ट द डिप्लॉयमेंट साइज। सो टेस्टिंग पर्पस के लिए टिनी डिप्लॉयमेंट परफेक्ट रहने वाला है, हम सेलेक्ट करेंगे एंड स्टोरेज साइज हम डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे, क्लिक ऑन नेक्स्ट। सो नाउ डेटा स्टोर हम डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे एंड वी हैव टू चेक अनेबल थिंक डिस्क मोड, सिंपली क्लिक ऑन नेक्स्ट। एंड नाउ हम नेटवर्क डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे जो कि VM नेटवर्क है हमारे ESXi होस्ट का। IPv वर्जन हम 4 ही रखेंगे। IP अलॉटमेंट हम स्टैटिक ही करने वाले हैं। FQDN ऑप्शनल है, आप चाहें तो एंटर कर सकते हैं। सो हम एंटर कर देते हैं, दैट इज vcsa-01.techsupport.com जो कि हमारा डोमेन है। सो नाउ इस सर्वर को एक IP एड्रेस अलॉट करना होगा जो कि हम अलॉट कर देते हैं, दैट इज 192.168.10.101। सबनेट मास्क हम एंटर कर देते हैं, दैट इज 255.255.255.0। गेटवे मैं एंटर कर देता हूं, दैट इज 192.168.10.2। DNS सर्वर भी हम एंटर करेंगे, दैट इज 192.168.10.100 जो कि हमारा डोमेन कंट्रोलर है। हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, बाकी चीज़ें हम डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे। फ्रेंड्स, IP एड्रेस चेंज हो सकते हैं, आपको अपने नेटवर्क सेगमेंट के IP एड्रेस ही एंटर करने हैं। नाउ सिंपली क्लिक ऑन नेक्स्ट। सो नाउ स्टेज 1 कंप्लीट करने के लिए आप सेटिंग्स को रिव्यू कर सकते हैं, हम रिव्यू कर चुके हैं। नाउ सिंपली क्लिक ऑन फिनिश। जैसा कि आप देख सकते हैं vCenter सर्वर डिप्लॉय हो रहा है ESXi होस्ट पर। सो अगर हम कंसोल पर चलते हैं तो आप देख सकते हैं रिसेंट टास्क एक वर्चुअल मशीन डिप्लॉय हो रही है ऑन ESXi होस्ट। सो जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम थोड़ा सा वेट करेंगे। फ्रेंड्स, vCenter डिप्लॉय होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो इन अ मीन टाइम हम डोमेन कंट्रोलर पर लॉगिन कर लेते हैं। मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूँ एंड हम सर्वर मैनेजर ओपन करेंगे। मैं एक्सपेंड कर देता हूँ, क्लिक ऑन टूल्स, DNS एंड नाउ हम एक DNS रिकॉर्ड अपडेट करेंगे vCenter सर्वर अप्लायंस के लिए। सो नाउ राइट क्लिक, रिफ्रेश। सो आप देख सकते हैं VCSA-01 एक DNS रिकॉर्ड ऑलरेडी अपडेट हो चुका है। सो फ्रेंड्स, DNS रिकॉर्ड अगर अपडेट नहीं होता तो हमें एक मैनुअल एंट्री करनी होती जो कि हमने ESXi-01 के लिए की थी लास्ट वीडियो में। सो नाउ अगर हम इस वर्चुअल मशीन को पिंग करेंगे विथ होस्ट नेम, सो मैं कमांड एंटर कर देता हूँ, दैट इज VCSA-01 एंड आप देख सकते हैं पिंग नहीं मिल रहा है बिकॉज वर्चुअल मशीन अभी पावर ऑन नहीं है। सो आप देख सकते हैं डिप्लॉयमेंट 83% कंप्लीट हुआ है। सो हम थोड़ा सा वेट करेंगे, वर्चुअल मशीन से पिंग ऑटोमेटिकली आने लग जाएगा। हम अगेन इंस्टॉलर पर चलते हैं एंड आप देख सकते हैं डिप्लॉयमेंट 72% हुआ है, जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इट्स टोटली अप टू योर हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। सो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं स्टेज 1 कंप्लीट हो चुका है, vCenter सर्वर सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुका है। सो नाउ क्लिक ऑन कंटिन्यू। सो इट्स लोडिंग स्टेज 2, हम थोड़ा सा वेट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं स्टेज 1 सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है एंड नाउ हमें vCenter सर्वर को कॉन्फ़िगर करना है, दैट इज स्टेज 2। सो नाउ सिंपली क्लिक ऑन नेक्स्ट। टाइम सिंक्रोनाइजेशन मोड हम चेंज कर सकते हैं, लाइक सिंक्रोनाइज टाइम विद ESXi होस्ट एंड सिंक्रोनाइज टाइम विद NTP सर्वर। सो हम डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे एंड नाउ अगर आपको सिक्योर सेल एक्सेस अनेबल करना है तो आप कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ हम डिसेबल ही रहने देंगे। सिंपली क्लिक ऑन नेक्स्ट। आप देख सकते हैं IP एड्रेस चेंज वार्निंग, क्लिक ऑन ओके। सो नाउ इट्स आस्किंग फॉर SSO कॉन्फ़िगरेशन, सिंगल साइन ऑन कॉन्फ़िगरेशन। सो अगर आपके पास एग्जिस्टिंग SSO डोमेन है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ हम डिफ़ॉल्ट ही क्रिएट करेंगे, दैट इज vsphere.local एंड नाउ वी हैव टू सेट द पासवर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटर। सो मैं सेट कर देता हूँ, सिंपली क्लिक ऑन नेक्स्ट। अगर आपको कस्टमर एक्सपीरियंस ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ मैं अनचेक करूंगा, सिंपली क्लिक ऑन नेक्स्ट। सो स्टेज 2 का समरी आप देख सकते हैं, आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। एज ऑफ नाउ क्लिक ऑन फिनिश। सो नाउ आप वार्निंग देख सकते हैं, इस प्रोसेस को हम स्टॉप नहीं कर सकते हैं स्टार्ट करने के बाद। सिंपली क्लिक ऑन ओके। जैसा कि आप देख सकते हैं सर्वर सेटअप प्रोसेस में है, सो जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम थोड़ा सा वेट करेंगे। जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम vCenter सर्वर को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंगल कंसोल। सो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। इन अ मीन टाइम अगर हम वापस से ESXi होस्ट में लॉगिन करते हैं, मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूँ, क्लिक ऑन लॉगिन एंड आप देख सकते हैं डैशबोर्ड ESXi होस्ट का। नाउ इन वर्चुअल मशीन्स आप देख सकते हैं एक वर्चुअल मशीन क्रिएट हो चुकी है बाय द नेम VCSA-01 जो कि हमारा vCenter सर्वर अप्लायंस है। सिंपली क्लिक करेंगे एंड नाउ अगर हम कंसोल ओपन करते हैं एंड आप देख सकते हैं यह एक लाइनक्स बेस्ड वर्चुअल मशीन है। इस वर्चुअल मशीन को हम एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर। URL आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन, दैट इज https://vcsa-01.techsupport.com एंड पोर्ट नंबर इज 5480। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं स्टेज 2 इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है एंड नाउ आप देख सकते हैं दिस इज द URL जिसको हम यूज़ करेंगे vCenter सर्वर को एक्सेस करने के लिए। हम URL को कॉपी कर लेते हैं एंड हम URL को ओपन करेंगे वेब ब्राउज़र में एंड इन अ मीन टाइम हम स्क्रीन को क्लोज कर देते हैं। सो आप देख सकते हैं URL ओपन हो चुका है। क्लिक ऑन डिटेल्स, गो टू वेब पेज। सो नाउ इट्स आस्किंग टू लॉन्च vSphere क्लाइंट जिसको हम बाद में लॉन्च करेंगे। एज ऑफ नाउ हम vCenter सर्वर अप्लायंस को ओपन करेंगे। सो मैं सिंपली क्रेडेंशियल एंटर कर देता हूँ, दैट इज रूट एंड पासवर्ड, क्लिक ऑन लॉगिन। जैसा कि आप देख सकते हैं vCenter सर्वर अप्लायंस में हम लॉगिन कर चुके हैं एंड नाउ आप डिटेल चेक कर सकते हैं लाइक होस्ट नेम, प्रोडक्ट, वर्जन, बिल्ड नंबर एंड हेल्थ स्टेटस। आप देख सकते हैं ओवरऑल हेल्थ, CPU, मेमोरी, डेटाबेस स्टोरेज एंड स्वैप मेमोरी। ऑन अदर हैंड्स आप देख सकते हैं सिंगल साइन ऑन अनेबल है, डोमेन vSphere.local, स्टेटस रनिंग है एंड फर्दर अगर आप मॉनिटर टैब पर क्लिक करेंगे तो आप CPU एंड मेमोरी यूटिलाइजेशन, डिस्क यूटिलाइजेशन, नेटवर्क यूटिलाइजेशन एंड डेटाबेस आप चेक कर सकते हैं। फायरवॉल आप एज पर द रिक्वायरमेंट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, टाइम एंड मल्टीपल ऑप्शंस हैं जिनको हम अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। सो नाउ हम vSphere क्लाइंट पर चलते हैं तो आप URL देख सकते हैं, दैट इज vcsa-01.techsupport.com। हम लॉन्च करेंगे vSphere क्लाइंट को जैसा कि आप जानते हैं vSphere क्लाइंट हमने लोकल डोमेन पे कॉन्फ़िगर किया है। सो मैं क्रेडेंशियल्स एंटर कर देता हूँ, यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर @vsphere.local जो कि हमारा लोकल डोमेन है। पासवर्ड मैं एंटर कर देता हूँ, सिंपली क्लिक ऑन लॉगिन। SPEHERE.local। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं vSphere जब हमने कॉन्फ़िगर किया था तो माइट भी स्पेलिंग मिस्टेक हुआ था जिसकी वजह से हमें सेम स्पेलिंग एंटर करना पड़ेगा लॉगिन करने के लिए। हम बाद में इसको चेंज कर लेंगे। एज ऑफ नाउ इट इज़ ओके फॉर अस। सो हम थोड़ा सा वेट करेंगे एंड आप देख सकते हैं vSphere क्लाइंट कंसोल सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है जिसकी मदद से हम एंटायर इंफ्रा को एंड हमारे सारे के सारे ESXi होस्ट को मैनेज कर सकते हैं। सो अगेन समरी आप देख सकते हैं, वर्जन, बिल्ड वर्जन, लास्ट अपडेट, CPU, मेमोरी एंड स्टोरेज आप चेक कर सकते हैं एंड फर्दर मल्टीपल टैब्स अवेलेबल हैं लाइक मॉनिटर, कॉन्फ़िगर, परमिशंस, डेटा सेंटर्स, होस्ट एंड क्लस्टर, VMs, डेटा स्टोर्स एंड नेटवर्क। फ्रेंड्स, इन सारे के सारे टॉपिक्स को हम अपकमिंग वीडियोस में कवर करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियोस, लाइक माय वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।